महाराणा अमर सिंह का इतिहास वर्षों से गलत फहमियों और विवादों से घिरा रहा है। कई कहानियां उनके व्यक्तित्व को धूमिल करती है, ऐसी कहानियां जिनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, उन्हें एक गलत छवि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप जीवन के आखिरी पड़ाव में थे तो उनके प्राण शांत नहीं हो रहे थे। तब रावत जेत सिंह चुंडावत ने उनसे पूछा, आपके प्राण आपके शरीर को क्यों नहीं छोड़ रहे? इसके जवाब में महाराणा प्रताप ने कहा कि चिंता है कि उनका पुत्र अमर सिंह आराम पसंद व्यक्ति है और वह मेवाड़ की गौरव गाथा को बनाए नहीं रख पाएगा, लेकिन यह कहानी सच से बहुत दूर है। वास्तविकता यह है कि कुंवर अमर सिंह ने 1580 से ही कई युद्धों में अपनी वीरता का परिचय दिया है। दिवेर के युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने उन्हें ही सौंपा था, जिसमें उन्होंने विजय श्री प्राप्त की थी। महाराणा अमर सिंह के समय लिखे गए ग्रंथ राणा रासो इस तथ्य को स्पष्ट रूप से वर्णित करते हैं। वे लिखते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह पर भरोसा जताते हुए बैकुंठवास करते हैं। मुगल दरबारी अबुल फजल ने तो महाराणा अमर सिंह पर पितृ हत्या का आरोप लगाया था। यह एक ऐसा आरोप था जो उनकी छवि को धूमिल करता है। अमर सिंह की पितृ भक्ति का उदाहरण देखिए, उन्होंने सदियों से आई परंपरा को तोड़ते हुए अपने पिता को अग्नि दी, बल्कि मेवाड़ का युवराज अपने पिता के अंतिम संस्कार में कभी नहीं जाता था। गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने विलासिता का जीवन नहीं जिया, उन्होंने 18 वर्षों तक जंगलों से संघर्ष किया और मुगलों से अनेक युद्ध लड़े। यह दर्शाता है कि वह अपने सिद्धांतों पर कायम थे। अगर अमर सिंह जी ने पितृ हत्या जैसा नीच कार्य किया होता तो मेवाड़ के सामंत उन्हें कभी नहीं स्वीकारते। वे ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं स्वीकारते जिसने महाराणा प्रताप जैसे महान पुरुष की हत्या की। आज हम सच्चाई को समझने का प्रयास करते हैं और महाराणा अमर सिंह के योगदान को सही परिप्रेक्ष्य के रूप में देखते हैं। हमें चाहिए कि इतिहास को उसकी सच्चाई के साथ स्वीकारे और महान शूरवीरों को सम्मान दे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करे, चैनल को भी सब्सक्राइब करे और अवगत कराए कि महाराणा अमर सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं।